अल्लाह ने भूखा उठाता जरूर है वो, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। चिड़ियों को देख लो आप, चिड़ियों को, और समंदर में विरील मछली ऐसी भी है जो 40 टन रोजाना एक दिन में उसकी खुराक है। मछलियां खाती है, गोश्त खाती है, कितना? 40 टन एक दिन में, 40 टन। और इतनी बड़ी मछली होती है कि बड़े बड़े जहाजों को भी पलट देती है। करवट ली, जहाज इधर से उधर हो गया। 40 टन मछली, वो वीर मछली 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, मेरा रब उसको भी देता है जिसको 40 टन गोश्त की जरूरत है, अल्लाह उसको भी देता है। दो रोटी, दो मुट्ठी भात खाने वाला, दो मुट्ठी चावल खाने वाले, तू अपने भाई की जमीन भी अपने नाम करना चाहता है, उसका चूहे के जरिए माल भी जीतना चाहता है, आईपीएल के मैच में सट्टा लगाकर उसकी कमाई पर भी कब्जा करना चाहता है, ये तेरा भाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई होता है, मोमिन मोमिन का भाई होता है। जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वो एक जमाना था किसी सहाबी के घर में चूहे बहुत ज्यादा आ गए। वो बड़ा परेशान था अपने चूहों से, तो उसने किसी से पूछा, यार चूहों का क्या इलाज है, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए, क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, एक बिल्ली ले आओ। हाँ यार ये तो सही है, बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, ठीक है। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर मिल गया, पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? कहा नहीं। फिर चूहे घर में है, बिल्ली नहीं लाऊंगा। क्यों? मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया था। क्या मशवरा अच्छा नहीं था? बाद में मैंने सोचा बहुत बुरा मशवरा था आपका। मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था बिल्ली लाने का, बिल्ली लाओगे तो चूहे को खा जाएगी। कहा नहीं, तुमने मुझे मशवरा दिया बिल्ली लाने का, मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा बिल्ली ले आओ, अच्छा मशवरा है। रात में मैंने सोचा अगर मैं बिल्ली ले आऊंगा तो बिल्ली एक चूहा खाएगी, लेकिन चूहे उस बिल्ली को जब इस घर में देखेंगे तो भाग जाएंगे और भाग कर मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे। हमारा घर छोड़कर चूहे भागेंगे, पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। आज हमें तंग कर रहे हैं, कल पड़ोसी को तंग करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो। तो जो चूहे मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूँ, ये कैसे गवारा कर लूं कि ये चूहे भाग कर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको परेशान करें? गौर करो, वो ये सोचते थे और हम ये सोच रहे हैं इस ओवर में कितने रन बनाएंगे। 10,000 या तो इधर या उधर, हम ये सोच रहे हैं कि उसकी रकम हमारे पास आ जाए और एक ही झटके में ये तो आपके पास आ जाती है या आपके पास से चली जाती है। दोनों सूरतों में हम कंगाल हो रहे हैं। अगर आप कंगाल हुए तब भी हमारा भाई, मैं कंगाल हुआ तब भी आपका भाई, दोनों ही सूरतों में हम कंगाल नजर आते हैं। जो हम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे वो अपने भाई के लिए क्यों पसंद करते हैं? अरे भाई उधर तसव्वुर तो करो।